जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद लतीफ़ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपके साथ। आज मैं जिस जगह का आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वहाँ मैं पहुँचूँगा। मेरे साथ है मेरे दोस्त अरसलान जतोई जो कि कराची कंटेरा के रहने वाले हैं। आज मैं बाबा कौम फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की मज़ार की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ का प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ आपको आगे चल के। तो मैं बचपन में आया था, लेकिन उस टाइम ये ट्रैवलिंग व्लॉगिंग का काम नहीं करता था, लेकिन इस दफ़े मैं खुद स्पेशली ट्रैवल करके आया हूँ। आज मैं दिखाऊंगा आपको हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने कि किस तरह हमें उन्होंने आज़ादी दी, कि यो दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई पे हैरान, ए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना तेरा एहसान है एहसान। तो चले फिर आगे चलते लम्हा लम्हा, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। हाँ जी, मज़ार कायद के पार्किंग अलाट एरिया में पहुंच गया हूँ। पार्किंग में हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी, मेरे साथ जतोई भाई अरसलान जतोई मेरे दोस्त। तो अभी मज़ार कायद को हम विज़िट करने जा रहे हैं और आप लोगों को भी आज मैं दिखाता हूँ बाबा कौम जहाँ पे दफन है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको आगे लम्हा लम्हा। तो टिकट लिए यहाँ पर 30 रुपये लगे, अभी जा रहे हैं आगे हम अंदर। चलो फाइनली अभी आ चुके अंदर, हम जा रहे हैं। 5 मिनट का टाइम मिला तो भागते हैं भाई। चलो तो थोड़ा ही टाइम रह गया भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी जाके थोड़ा सा कवरेज करके आपको दिखाने के। चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या बेड लग पाए यार, बाबा कौम की मज़ार पे हैं और यहाँ पे ऑफ हो चुका टाइम, तो अलोनिया मज़ार के अंदर जाना, वहाँ का व्यू दिखाना। मैं बाहर से व्यू आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दूर से मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ और म्यूजियम खुला हुआ है वो लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की इस्तेमाल वाली गाड़ियाँ जो वो इस्तेमाल करते थे, ये उनकी गाड़ियाँ, ये उनकी ड्रेसेस जो पहनते थे। अभी मेरे पास थोड़ा थोड़ा टाइम है, जल्दी जल्दी मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये उनके कपड़े ज़ेर इस्तेमाल जो होते थे, तो अभी टाइम थोड़ा रह गया, वो लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी देख लें। ये फर्नीचर और वो सोफे और चेयर जहाँ पे बैठ के हमारे कायद बैठ के चीज़ों की तारीफ करते और लिखते थे। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये वो बेड जो इस्तेमाल करते थे, ये चंपल और ये गड्रा। तो जी आज मैं अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो बाबा कौम है हमें आज़ाद करना है वाली हस्ती, तो उन्हीं के इस मज़ार के व्लॉग के साथ इख्तिताम करूंगा आज के मैं अपने इस व्लॉग का। तो फिर मिलूंगा बहुत ही प्यारी तारीखी जगह और पहुँचे हुए हस्ती की कहानी के साथ। अल्लाह ने के बान, दुआओं में याद, शाम बखैर, जज़ाए खैर।